जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फोरम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की अपडेट है पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, बैंक ब्रांचेज फरीदाबाद, पलवल, नूह में PN की वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप 12th पास आउट हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम इसके ऑफलाइन फॉर्म के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसका जो ऑफलाइन आवेदन पत्र है, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, उसे आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों उस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, पूरी वीडियो एंड तक देखिए, काफी इंटरेस्टिंग वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, सिर्फ एक पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है और बिल्कुल ईजी सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। लेकिन दोस्तों, फिल करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा डाउनलोड एप्लीकेशन लेटर करके। उस लिंक की सहायता से आप इस एप्लीकेशन लेटर को बिल्कुल फ्री में और दोस्तों बगैर किसी परेशानी के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे फिल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा अपॉइंटमेंट एज PN इन PNB बैंक इन बैंक ब्रांचेज। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, आपकी फोटो रिसेंट होनी चाहिए और दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड यानी कि उस पर आपका सिग्नेचर होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम, इसके बाद आपकी DOB, इसके बाद आपकी एज बतानी है 1/1/2022 को, यानी कि 1 जनवरी 2022 को आपकी उम्र कितनी होगी, आप कितने ईयर्स के, कितने मंथ के, कितने डेज के होंगे, ये जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं यानी कि अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ का नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद पहले सॉफ्ट डोमोसाइल यानी कि डोमोसाइल कहाँ की है, हरियाणा की है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको हरियाणा फिल करना होगा। इसके बाद आपका एड्रेस, दोस्तों यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना होगा, जैसे कि आपके हाउस नंबर, विलेज, सिटी, टाउन जहाँ पर आप रहते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपका पिन कोड, ये सभी जानकारी दोस्तों यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो लिखनी होगी। अब इसके बाद आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी, दोस्तों एक वैलिड मोबाइल नंबर और एक वैलिड मेल आईडी डालनी है ताकि डिपार्टमेंट आपसे आसानी से कॉन्टैक्ट कर सके। साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो डिटेल्स है आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, आपके 10वीं के, 12वीं के और अदर जो डिग्री डिप्लोमा अगर आपने किया है, किस बोर्ड से की है, किस ईयर में पास किए थे, कितने मैक्सिमम मार्क्स के जो है आपके एग्जाम हुए थे और दोस्तों आपने कितने मैक्सिमम मार्क्स है वो ऑब्टेन किए थे। साथ ही यहाँ पर आपको अपने परसेंटेज डालनी होगी, दोस्तों परसेंटेज जो है 2 डेसिमल तक होनी चाहिए। दोस्तों सभी जो जानकारी है वो बिल्कुल साफ साफ और सही से फिल करनी है। साथ ही इससे रिलेटेड जो मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है वो भी आप इसी के साथ अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, यानी किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, SC ST OBC, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का नाम लिखेंगे। अगर काम से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसमें कोई और मेजर एलिमेंट जो आप बताना चाहते हैं डिपार्टमेंट को वो बता सकते हैं। और दोस्तों आपके खिलाफ पास्ट में या फिर प्रेजेंट में कोई पुलिस केस या क्रिमिनल केस है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड के नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद आपके आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर आपको डालने होंगे और दोस्तों इसकी एक फोटोकॉपी भी आपको इसी के साथ अटैच करनी होगी। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसका नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे और दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ यस पर टिक करना होगा, क्योंकि इंग्लिश की जो भाषा है वो आपको आनी ही चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। तो दोस्तों इस तरह जो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, यहाँ पर ये डिक्लेरेशन दी गई है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर आपको डेट डालनी होगी जिस डेट को आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बगैर किसी परेशानी के इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे ऊपर लिखा हुआ है पंजाब नेशनल बैंक फरीदाबाद मंडल में चपरासी के पद हेतु नियुक्ति सूचना। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया कि आपको जो 12th पास आउट होना चाहिए, आपकी उम्र दोस्तों 18 साल से लेकर 24 साल के बीच में होनी चाहिए। इसी के साथ देखिए दोस्तों, अगर हम लास्ट डेट की बात करते हैं तो 8 अप्रैल जो इसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 8 अप्रैल से पहले या फिर 8 अप्रैल के दिन आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। टोटल जो है 19 यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है। आप आसानी से वीडियो को पॉज करके पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसे पढ़ सकते हैं। और दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, आपके सभी एजुकेशन के सर्टिफिकेट, साथ ही दोस्तों अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
तो उसके सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके सर्टिफिकेट, आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, और दोस्तों ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ सेंड करने होंगे। और अगर एड्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका एड्रेस भी दिया हुआ है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मुख्य प्रबंधक मानव संसाधन विकास पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय द्वितीय तल PNB IT बिल्डिंग नेहरू ग्राउंड नीलम चौक NIT फरीदाबाद हरियाणा 12101। दोस्तों ये जो एड्रेस है ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी ऑफलाइन अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।